दीवारों पर इश्तेहारबाजी करने वाले हो जाएं होशियार, जिस प्रोडक्ट की वॉल चॉकिंग होगी उसके खिलाफ कटेगा पर्चा। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने वॉल चॉकिंग करने वालों के खिलाफ सख्त अहकाम साबित फरमा दिए। अब दोबारा जो भी वॉल चॉकिंग करे, जिसका नाम लिखा हो उसके ऊपर या जिसका भी राइट्स लिखे हो, उस पर आप फौरी तौर पर पर्चा दें। वॉल चॉकिंग पर पाबंदी के बावजूद मुल्तान के दरों दीवार पर इश्तेहारात आवेजा। कचहरी रोड पर डीसी ऑफिस के पास सियासी पार्टी की वॉल चॉकिंग, कचहरी फ्लाईओवर भी वॉल चॉकिंग की जद में। दीगर मेन चौराहों पर भी मुख्तलिफ पोस्टर्स के बायस शहर का हुस्न मुतासर। शहरी नाला पोस्टर लगे इंतजामिया का काम बनता है, इनको हटवाए ताकि इससे शहर की खूबसूरती बहुत मुतासर हो। मुल्तान की सड़कों पर ओवर स्पीडिंग करने वाले जुर्माने के लिए तैयार हो जाएं। मुल्तान हाईवे पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस के क्रैक डाउन शुरू। रफ्तार की मुकर्रर हद क्रॉस करने पर 6 मुकदमा दर्ज, 120 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माने आए। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पर इजलास आज तलब। पंजाब हुकूमत की जानिब से मरास्ता जारी। मुल्तान, बहावलपुर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान के रीसीज का मुशावरती इजलास बुलाया गया। इजलास में लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 पर मुशावरत की जाएगी। जनूबी पंजाब समेत सुबह भर के काश्तकार और जमींदारों के लिए इनकलाबी इकदाम। पंजाब हुकूमत का 115 नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम करने का फैसला। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी नए अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम करेगी, 2 अरब 19 करोड़ की लागत आएगी। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी 6,67,500 रुपए के डिपॉल्टर हैं। शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब, साबिक MNA अब्दुल गफार डोगर साहब और आमिर सईद अंसारी साहब सात अहमदान की फहरिस्त में शामिल है। मुल्तान एक्साइज इन एक्शन, टैक्स डिफॉल्टर्स के गिर्द घेरा तंग। मौजूदा और साबिका हुकूमत के बड़े बड़े नाम शामिल। डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान ने टैक्स डिफॉल्टर्स को जेल भेजने की तैयारी के बारे में बता दिया। कहते हैं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, साबिक गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना, तहरीके इंसाफ के MNA आमिर डोगर और सिकंदर हयात बोसन समेत 200 अफराद को कबल अज गिरफ्तारी और जायदाद कुर्की के शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। मुल्तान एक्साइज में वाजिबात की वसूलियों में गफलत बरतने पर 3 इंस्पेक्टर्स मुअत्तल। 7 के खिलाफ पीरा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। इंस्पेक्टर्स को नौकरियों के लाने पड़ गए। टैक्स रिकवरी में तसाहल बरतने पर फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया है। मुल्तान के 7 इंस्पेक्टर के खिलाफ पीरा एक्ट के तहत सख्त इंजबाती प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है, जिन्हें नौकरी बचाने के लाले पड़े हुए। बहावलपुर में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की छत गिरने का वाकया, स्कूल टीचर हाफिज सरदार जाम बहक। वाकये की तहकीकात जारी। दूसरी जानिब लवाहिकीन का लाश हुसैनी चौक पर रखकर एहतजाजी मुजाहरा। ACCT राबिया सयाल की इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी पर मुजाहरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। जनूबी पंजाब के रिहायशी गर्मियों से बचाव की तदाबीर अपनाएं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 211 मरीजों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में गैस्ट्रो का शिकार होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों की सेहत के बारे में माओं की आगाही जरूरी है। बहावलपुर के हुजाज इकराम के लिए अच्छी खबर, बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत अपने ही शहर में मैसर। हाजियों को अब मुल्तान जाने की मुश्किल से छुटकारा मिल गया। रिंग स्टेडियम में हाजियों की बायोमेट्रिक तस्दीक जारी। दुनियापुर के नौजवान की मोहब्बत, सिंगापुरियन लड़की को पाकिस्तान खींच लाई। रोसा लैंडो ने इस्लाम कबूल करके वसीम से निकाह कर लिया। इस्लामी नाम आयशा रखा गया। काम के सिलसिले में सिंगापुर में काम करने वाला मोहम्मद वसीम रिश्ता या ज़वाज में मुंसलिक होकर खुश हो गया। पुलिस वाले गाड़ियों में डलवाएंगे सरकारी पेट्रोल। सुबह भर के पुलिस को पेट्रोल की मद में 98,79,32,000 रुपए के फंड जारी। मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर और डीजी खान पुलिस को गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए फंड्स मिल गया।
सरकारी पेट्रोल तो मिल जाएगा मगर कैदियों को कहां बंद करें। मुल्तान पुलिस है तंग, महकमे औकाफ की जमीन पर दो कमरों पर मुश्तमिल नामनिहाद थाना, कैदियों को बंद करने का कोई नहीं ठिकाना, हवालात है ना ही कोई सहूलत, पुलिस अहलकार भी सरापा सवाल। शहरी चोर डाकुओं से महफूज रहे, मुल्तान में एक दिन में चोरी और डकैती की 15 वारदातें हुई, मुकदमा तो दर्ज हो गए, क्या चोर भी पकड़े जाएंगे। सड़े जीवन में एक ही दिन में 3 डकैतियों समेत 9 वारदातें, पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। महंगाई के झटकों से बच्चों की बुनियादी जरूरियात भी मुतासर होने लगी, बुनियादी तालीमी जरूरियात पूरी करना वालदैन के लिए चैलेंज, यूनिफॉर्म किताबें बैग सब हुआ महंगा, वालदैन का बजट आउट, बच्चों के तालीमी अखराजात कैसे पूरे करें, वालदैन ने सर पकड़ लिए। खिलौनों की कीमतों में भी 25 से 30% इजाफा, दुकानदार भी कारोबार में कमी से परेशान। महंगाई ने जहाँ पर दूसरे अखराजात की कीमतें बढ़ गए वैसे वहाँ पर किताबों की भी बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ गई हैं, बच्चों को पढ़ाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई पे इस वजह से फर्क पड़ रहा है क्योंकि बहुत महंगाई हो गई, जो पहले हम चीज बेचते थे 200 की अब वो 300 रुपए की हो गई। पेरेंट्स को कह रही हूं मुझे टेडी बियर लेके दे पर वो लेके ही नहीं दे रहे। सोशल वेलफेयर मुल्तान की जानिब से गरीब और मुस्तहिक मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 2,82,00,000 से ज्यादा के फंड्स जारी, मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में कैंसर और आर्थोपेडिक के 381 मरीजों को फंड्स दिए गए। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी ने जुलाई तक बड़ी तब्दीलियों का इंकशाफ कर दिया, कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो चुकी, हनीफ अब्बासी को रिहाई पर मुबारकबाद देते हैं। रहीम यार खान में एमएलए जावेद इकबाल बड़ाइश ने गंदम की कटाई का इफ्तिताह कर दिया, जावेद इकबाल ने ट्रैक्टर चलाकर फसल काटी, कहते हैं कि रवा साल फसल बेहतरीन हुई है, किसानों से गंदम का एक एक दाना खरीदा जाएगा। रहीम यार खान में एडीसी जनरल की सरबराही में शुगर मिल्स की अदायगी का जायजा इजलास, शुगर मिल्स इंतजामिया के नुमाइंदगान की शिरकत, एडीसी जनरल ने तमाम शुगर मिल्स को 100% अदायगियां यकीनी बनाने की हिदायत कर दी, एसी को अदायगियों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। रिहाड़ी में फर्स्ट सेक्रेटरी ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद में सारा कोफर का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का दौरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मलिक मुश्ताक हुसैन की जेर सदारत इजलास में वक्त को ब्रीफिंग, फर्स्ट सेक्रेटरी सारा लोकोपर ने सेहत तालीम लोकल गवर्नमेंट और दीगर फलाही कामों में इजहार दिलचस्पी कर दिया। कोचद्दू में वजीर मुमलिकत मियां शब्बीर अली कुरैशी का फूड सेंटर का दौरा, एहसानपुर भागल पतल मंजा और रियाजाबाद फूड सेंटर्स पर किसानों को दस्तियाब सहूलियात का जायजा लिया, उधर तौनसा शरीफ में डीसी का शाहसदर दीन फूड सेंटर पर पटवारी न होने पर इजहार बरहमी, दाऊवाली वेटरनरी अस्पताल को ताले, गैर हाजिर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत हनीफ खान पतापी का टीचिंग अस्पताल के इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर का दौरा, ड्यूटी से गैर हाजिर एमओ डॉक्टर राशिद को मुअत्तल कर दिया, मरीजों से मुलाकात करके खैरियत दरियाफ्त की, मुशीर सेहत हनीफ खान पतापी की मरीजों को तमाम अद्वियात अस्पताल से फराहम करने की हिदायत। मुल्तान में लोधना तहसीलदार ऑफिस में करप्शन का मामला, डायरेक्टर एंटी करप्शन का कॉरिडोर, मलिक रुस्तम के खिलाफ तहकीकात का हुक्म, उधर बहावलपुर में महकमे एंटी करप्शन की कार्रवाई, साबिक तहसीलदार खोज अब्बास और 3 पटवारियों के खिलाफ रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों का राज, मुजफ्फरगढ़ तौनसा शरीफ जलालपुर पीरवाला लियाकतपुर और अलीपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्तान में मौसम ने ली अंगड़ाई, ठंडी हवाओं के साथ साथ बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना कर दिया, शहरियों ने मौसम का मजा लेने के लिए टिक्का बोटी और बारबेक्यू शॉप्स का रुख कर लिया।
और मुल्तान में मुबीन मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप दूसरे राउंड के दूसरे मैच में ईगल फुटबॉल क्लब ने गाजी फुटबॉल क्लब को एक गोल से हरा दिया।